एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है 2nd of February। मैं लास्ट डे शिमला से अपने मामू के घर आई थी। इस विलेज का नाम है रेकटू विलेज और ये शिलारू के ठीक सामने दिखता है। और आज मेरी दी का बर्थडे है और मैं कल शाम को ही शिमला से आ गई थी क्योंकि मामू कल आए हुए थे शिमला कुछ काम से, तो मैं उन्हीं के साथ शाम को आ गई थी। बट ट्विस्ट ये है कि जिनका आज बर्थडे है मेरी दी का, उनको नहीं पता कि मैं लास्ट डे आ चुकी हूँ यहाँ पे। और आज उनके लिए थोड़ा सरप्राइज है। तो अभी तो फिलहाल हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है और शाम के 4:30 हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि सुबह से हम लोग बिजी थे और दिन में एक बार दीदी इधर छोटे मामू के घर भी आए थे। तकरीबन 1 घंटे तक वो यहाँ पे बैठे थे और वो एकदम से आ गए और हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। और उस टाइम हम लोग किचन में बैठे हुए थे तो किचन से अंदर को एक स्टोर रूम है, तो मैं वहाँ पे जाके छुप गई और 1 घंटे तक मैं वहाँ पे बैठी रही। थैंक गॉड मैं अपना फ़ोन साथ ले गई थी तो थोड़ी देर मैंने फ़ोन यूज़ कर लिया और बाकी तो मुझे इतनी नींद लगी थी वहाँ पे बैठे बैठे। बट इट्स ओके, इतना तो चलेगा ही क्योंकि सरप्राइज देना है तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो होगा। और फिलहाल वो क्लिप मेरे पास है नहीं, पर मेरी कज़न ने थोड़ा सा शूट करा था जब मैं हॉल से बाहर आई थी और मेरा फेस, मतलब मैं वो बता नहीं सकती मैं कितनी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी अंदर वहाँ पे हॉल पे बैठे बैठे, वो भी अकेले, इतना बड़ा हॉल और मैं अकेले वहाँ पे शोरूम में बैठी हुई थी। देखो तो अंजलि कहाँ से निकल रही है। कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था अंजलि? आराम से जा, जोर जोर से मत बोल, ऐसी नहीं कि वापस आ गई तो। आराम से, पहले मेरे को देखने दे। चलिए चलिए, जा जा जा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं नीचे आ गई। तो अभी डेकोरेशन का हम सोच रहे हैं कि हम डेकोरेशन कहाँ करें। तो हमारा ये प्लान है कि हम अभी, वो लोग नए घर में रहते हैं तो वहाँ से डेकोरेशन का सारा सामान लेकर आएंगे और उनके पुराने वाले घर पे जो बड़ा वाला रूम है उस पे डेकोरेशन करेंगे। और दीदी वहाँ पे आते भी नहीं है तो उन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि वो परहेज ज़्यादा रहते हैं और अभी इस टाइम तो वो शाम के लिए खाना वगैरह बना रहे होंगे, शायद बिजी होंगे, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल हम अभी रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम शीतल जाएगी डेकोरेशन का सामान लाने और उसके बाद हम लोग डेकोरेशन करेंगे। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। 5:30 हो चुके हैं शाम के और इसका नाम शीतल लिप्टा है। आप लोग इसके व्लॉग्स भी देख सकते हो यूट्यूब पर, शीतल लिप्टा नाम से चैनल है। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं परे बड़े मामी के घर, तो वहाँ से डेकोरेशन का सामान लेकर आ जाएंगे। भले ही दी बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी जो भी होगा देखेंगे। मैं बोल दूंगी उनको कि हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। वैसे उनको पता है कि हम लोगों ने केक तो लाया, मतलब हम लोगों ने नहीं, भैया और भाभी ने केक लाया, वो तो उनको पता लग ही गया था दिन को। तो हम लोग बोलेंगे कि केक तो है ही, थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन कर लेते हैं, पर हम उनको ये नहीं बताएंगे कि हमने एक अलग से पार्टी रखी है उनके लिए और अलग से केक भी लेके आए। सॉरी दीदी, अगर आपको बुरा क्या, आपको सरप्राइज मिलेगा। मैंने इसको छुपा के और आपको ये चीज पता भी नहीं है। और जब आप दिन को इधर आए थे, मैंने मुझसे पूछा, मैं अंदर स्टोर रूम में 1 घंटे कैसे कैसे बैठी, कैसे कैसे बिता है, मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मैं अंदर भी गई थी पर आपको पता नहीं चला क्या। और थोड़ी देर बाद मामी जी आए थे और वो पहले ढूंढ रहे कि मैं हूँ कहाँ पे, वहाँ पे मैं आप वाली साइड को बैठी हुई थी। मामी जी पहले मुझे देखते और उसके बाद हाथ से, और तभी मैं आपको बोल रही थी दी कि प्लीज चलते चलते परे चलते डुबू के पास, पर आप उठने को ही तैयार नहीं थे। परफेक्ट। और मैं इसको बार बार कॉल करने, मैं कहती दी को बोल जाओ प्लीज जाओ, मगर भाभी को बोलते हैं कि इसको लेके जाओ। फिर पता चला कि भाभी तो अभी आए ही। हाँ, जब कॉल आई थी ना और जब मैं हंस रही थी ना दीदी कि मैं हंस रही थी फोन चलाते चलाते, वो कोई नहीं था ये था, और मैं बोल रही थी कि हाँ ठीक है बाद में कॉल करती हूँ, वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, वो ये थी। तो चल ठीक है, मैं जाती हूँ अभी परे और लेके आती हूँ ना। आप मिलते शाम को और मेरे व्लॉग देखना, मैं शायद उसमें भी व्लॉग बना दूँ। बाय बाय। तो अभी ये जा रही है परे, तो वहां से सामान लेकर आ जाएगी पुराने वाले घर के लिए, तो आपसे वहीं पर मिलते हैं। ये है इवनिंग का व्यू, सूरज सामने लग रहा है क्योंकि सनसेट हो रहा है। और दिस इज द व्यू this time,
आई थिंक मैं बहुत बाहर निकल चुकी हूँ। अच्छा ये वाला घर है दीदी का और ये वाला घर है पुराना, दिस वन दिस वन। हम यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। मैक्सी हेलो, मैक्स हेलो करो, हेलो हेलो, कम 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 कम, सिट सिट मैक्स, सिट सिट, नहीं सुनता, सिट मैक्स, सिट सिट, गुड बॉय। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो। फिलहाल अभी अंदर आ गई क्योंकि नीचे एक मासी आ गए थे तो उन्होंने मुझे देख लिया, बट इट्स ओके क्योंकि अब तो डेकोरेशन ही करनी है और फिर दीदी को पुराने वाले घर के लिए बुलाना है, तो उसके बाद तो ऐसे भी सबको पता चल जाएगा कि मैं आई हूँ। बट उन्होंने अभी किसी को बुलानी चाहिए क्योंकि अगर बाकी को पता चल जाए कोई इशू नहीं है, पर दीदी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उनको नहीं पता है और मैं नहीं चाहती कि उनको इस तरह से पता चले क्योंकि मेरा सरप्राइज है ये। मैं बहुत कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये उनका लास्ट बर्थ डे है कि वो भी यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट मंथ उनकी मैरिज है और फिर उसके बाद वो अपना बर्थडे वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। तो दिस बर्थडे इज सो स्पेशल फॉर हर एज वेल एज अस। और फिलहाल अभी शीतल पर गई है, वो सामान लेकर जब इधर आएगी तो उसके बाद हम डेकोरेशन करेंगे, फिर आपसे वही मिलता है। अभी शीतल वापस आ चुकी है फिर से और दीदी बोलते कि डेकोरेशन बोलते नए वाले घर में ही करनी है क्योंकि पुराने वाले घर में ठंड है, वहाँ पे परे कोई भी नहीं आएगा कहते, यहाँ पे ठीक है कहते गर्म है और सब यहाँ पे है भी और सभी को आदत पड़ चुकी है परे जाने की, परे दीदी भी आए और ये वाली साइड उल्टी हो जाएगी और दीदी के मामू की बेटी भी आई हुई है, तो मतलब आज काफी सारे लोग होंगे दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब डेकोरेशन पुराने वाले घर पे नहीं होगी, नए वाले घर पे होगी और अब मैं भी परे चली जाऊंगी अभी ही और दीदी को बर्थडे विश कर दूंगी फिर, क्योंकि अगर मैं पहले नहीं जाती तो डेकोरेशन कैसे करनी। और 6 बजने वाले हैं, अभी फिलहाल शीतल आग जला रही है, इसके बाद हम जाएंगे। आप दीदी को मैं बोलेंगे दीदी आपके लिए दो सरप्राइज है, मैं अंदर जाऊंगी, आपके लिए दो सरप्राइज है, एक तो यहाँ पे टडार और दूसरा अभी आपको नहीं पाएंगे। और जिस रूम में हम डेकोरेशन करेंगे उस रूम में दीदी की एंट्री, बेल। हमने आग चला लिया और अब हम जा रहे हैं परे, लाइट बंद रहेंगे। हाँ। ना कर देख ले यार आग चला, प्लीज हम लोग जा रहे हैं परे डेकोरेशन करनी है यार, पहले मुझे सुलुक्का दे तू, सुलुक्का बाद में पहन लेंगे। नहीं 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 मुझे बिजी है, मुझे पहन नहीं आ रही प्लीज, अभी फिलहाल चलते हैं, अभी डेकोरेशन करके वापस आएंगे तेरी कसम से, रेडियो के फिर जाएंगे परे। नहीं मुझे तो बाहर नहीं, मम्मी ने नहीं, नहीं चलना है, पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा, मैं नहीं है नहीं अंजलि नहीं, मुझे चाहिए ऐसे बोला था कपड़े कहीं रखे उसके बीच में ना, उधर ही पड़ जा। अभी हम लोग परे जा रहे हैं, दीदी ने पुराने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना कर दी है पर अब हम नए घर जा रहे हैं, तो मैं अभी दिखाऊंगी दीदी से मिलाऊंगी आपको। तो ये घर है और ये अभी इवनिंग का व्यू है, नमस्ते भाभी। मैं तो कल आ गई, अच्छी से अच्छी से देखो कौन आया, हाँ जी एक और सरप्राइज है, नीचे कौन है, पापा और शॉपिंग सरप्राइज है, मजा आया।
आप गए थे शिमला, आपने क्या किया शिमला में? आपने मुझे चीजी क्यों मिलाई? तुमने नहीं बोलते। हमने कुछ नहीं तोड़ा, आपने चीजी क्यों मिलाई? ये देखो, नहीं मुझे चीजी दे पहले, इधर बैठो, मुझे चीजी 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 दो मुझे। ये देखो इस शरारती को, ये क्या हो रहा है शार्विन? शार्विन तोड़ दिया इसने, ये फोन की सेटिंग कर रही है। और अभी हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करने वाले। टेबल के ऊपर मत जाओ, टेबल टूटी हुई है, टेबल ना टूटी हुई है बाबा। आ जाओ नीचे, आराम से आराम से आराम से। बिशारवी ने ये सब तोड़ कर दिया। और ये देखो इसकी शरारतें। और अभी ये बलून यहाँ पे फुलाने को है। और ये इधर देखो बच्चों के साथ कितनी बुरी हालत होती है। और ये खंजरी बजाने बैठ गया है। निकालो एक एक, ये गिला गिला है, राइस को हाँ ये खोल दे तू। और पीछे कॉफी लेट आएगा, केक ही निकाल ऊपर। हाँ इसको खोल दे, इसको करूँ मैं। नहीं 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 बंद मत कर, नहीं निकला बस। हैप्पी बर्थडे का कैंडल चलाने के लिए दो कुछ। तू जाना मत, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसकी शक्ल तो देखो, पर क्या मुंह बना दिया। मेरा बर्थडे बड़ा सर, मेरा बर्थडे बड़ा बहुत फैंसी हुआ था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यस।
इधर आओ, इधर आओ यहाँ। ये क्या कर रहा है? आगे और नाक बच गया था। अरे तो रुक जा, सब लोगों को दे रहे, पीछे क्यों नहीं बैठते आप? पीछे तो भी फोटो ले दो सब। और डबल मुख है। खोल दिया। अरे बीच से निकल जाओ भाई। कोई सुनता ही नहीं है भाई। ट्विंकल बाप भी लिख लो तो। देने दो। ये क्या तो कैमरा ही है क्या? लग गया। अच्छा तो मतलब मेरे फेस पे करेगी साफ। कोई ले रहा है फोटो? बाद में लगाऊंगी। देख लो, बस कर ला। हे ब्राइड टू बी, कैसा लग रहा है आपको केक कट करके बर्थडे का? बहुत बुरा। क्यों? मेरा लास्ट केक कट रहा है। नहीं यार, मेरे को भी बनाने में। दूसरा केक कट करने के लिए कितने एक्साइटेड हो आप? हाँ, फिर मैं पूछूंगी कुछ पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा। आपने पति के साथ जो काटी पति के साथ कहाँ से काटूंगी यार? वो तो है ही यहाँ पे बर्थडे केक। अच्छा, हमारा वाला सेकंड बर्थडे केक। मैंने पूछा सेकंड केक अभी तो मैं मैंने पूछा कितने एक्साइटेड हो? कितने एक्साइटेड हो? इससे ज्यादा बोला। थोड़ा सा ज्यादा, बट इट्स ओके, नेक्स्ट बर्थडे पे हम उधर ही आएंगे।
गुड मॉर्निंग। कल शाम का व्लॉग बस इतना ही था, ज्यादा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमने कल सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करा, हम बैचलर पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे और टाइम भी काफी हो चुका था, तो मामी जी खाना खाने बुला रहे थे और शार्पिन छोटा है और वो ज्यादा दीदी के पास ही रहता है, तो बार बार वो दीदी को ढूंढ रहा था कि मेरी बुई कहाँ है, मेरी बुई कहाँ है, और फिर उस वजह से हम लोग बैचलर पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बट बैचलर पार्टी हम आज शाम को सेलिब्रेट करेंगे और कल का व्लॉग सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बैचलर पार्टी में लेके जाऊंगी। और आज अभी 10 बज गया है आई थिंक, और अभी फिलहाल फिर थोड़ा काम है, उसके बाद हम दिन को जाएंगे शीतल का जो नया वाला घर है वहां पर, क्योंकि बैचलर पार्टी हम वहां पर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि यहां पे कोई आता जाता नहीं है। और आज का व्लॉग बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।